लुबना, भाई वो तुम्हारे ससुराल वालों ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। तौबा तौबा, बुरा ना मानना भाई, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले हैं बहुत चालाक। जी बोले। हाँ लुबना, मम्मी बता रही है कि तुम्हारे अब्बे के इंतकाल पे कुछ औरतें तुम्हारे और तुम्हारे पप्पो के बेटे के बारे में कुछ बात कर रहे थे। फल्ला, फिर से वो घिसी पिटी बात कि शमसा पप्पो ने अपने बेटे का हाथ लुबना के हाथ में किया। देखिए, ये ख्वाहिश मेरी पुप्पी की थी, हमारी नहीं। और जब दादी मर गई तो वो ख्वाहिश भी उनके साथ मर। अब आपकी बेटी की भी तो मंगनी टूटी है ना। अब कुछ लोग उसके पुराने रिश्ते का हवाला दें तो ये कितनी जाहिलाना और बेवकूफी वाली बात हो। फुरकान, तुमने इसे तैयबा की मंगनी वाली बात भी बता दी। मम्मी देखे, मैं और लुबना मियाँ बीवी हैं और मेरे ख्याल से मियाँ बीवी में कोई राज होना नहीं चाहिए। लुबना ने मुझे तलाक के बारे में बता दिया था तो मैंने भी तैयबा के बारे में बता दिया। देखिए ना, जिसके दिल में जोर होता है वही बातें छुपाता है। और मेरे दिल में कभी भी चोर नहीं, मेरा सब कुछ और कहानी का तो है। अरे लुबना, दिल जीत लिया। ऐसे ही बस एक बात दिल में आई तो मैंने पूछ लिया। दिल पे ना लेना तुम ये बात। हाँ और कोई बात है क्या? मैं जाऊं? जाइए आप भी। वैसे अगर जोरू के गुलाम के लिए कोई अवार्ड होता ना, मेरे बेटे को पहला अवार्ड मिलता। शाबाश, सही जा रहा है। क्या ढूंढ रही हो? पर कब से मैं पैसे ढूंढ रही हूँ? पैसे कहाँ हैं? पैसे बैंक में। बैंक में? तो जाएं ना, पैसे निकलवा कर आएं। अम्मी और सामिया को पैसे वापस करने। तो बस मुझे आज दुकान फाइनल करनी है। 3 महीने का एडवांस, 2 महीने का किराया भी देना है, दुकान में सामान भी डलवाना है। पैसे नहीं बचेंगे। कैसे नहीं बचेंगे पैसे? अरे हॉस्पिटल तक का बिल फुरकान ने दिया है। हमारा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। आपको इस बात का क्यों नहीं एहसास हो रहा है? एहसास तुम्हें नहीं, तबस्सुम, समझना तुम नहीं चाहती हो। देखो मामलात पहले जैसे नहीं रहे ना। अच्छा, क्या हुआ अभी मामलात को? पहले अब भी हमारी मदद करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें अपने खर्चे खुद उठाने होंगे और उसके लिए जरूरी है कि मेरा कारोबार चले। इसके अलावा मुझे कोई दूसरी सूरत नजर नहीं आती है।